नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं अमित भटनागर आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेम विवाह की। हम सब जानते हैं बहुत ही हॉट टॉपिक है, आज के युवा पीढ़ी जो है जानना चाहती है और चाहती है कि उनका प्रेम विवाह हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुंडली में वो कौन कौन से योग होते हैं, वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रेम विवाह होता है। और आज की तारीख आज की मतलब आज नए समय में हम देखते हुए हैं कि ज़्यादातर प्रेम विवाह ही हो रहे हैं। पुराने ज़माने में तो प्रेम विवाह बहुत मुश्किल से होता था तो टूट जाता था। आज की तारीख में तो बहुत कॉमन हो गया है, इंटर कास्ट इंटर रिलीजन कोई प्रॉब्लम नहीं है, विच इज़ गुड। मतलब हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव हो रही है, किसी को उससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आइए टॉपिक पर बढ़ते हैं और देखते हैं कुंडली में क्या क्या कौन कौन से ग्रह और कौन कौन से भाव इसके कारक होते हैं। सबसे पहले प्रेम, प्रेम होता है हमारे पंचम भाव से। कुंडली का जो पांचवा भाव है मेरा, ये प्रेम का भाव है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा प्रेम आपको होने के बाद उससे शादी होगी या नहीं, वो भी देखते हैं। तो फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं प्रेम, और प्रेम का कारक होता है शुक्र। शुक्र ग्रह प्रेम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब प्रेम चलिए आपको हो गया, अब ये शादी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, इसके लिए क्या करेंगे आप? शादी का भाव मेरा कौन सा है? सेवेंथ हाउस होता है मेरा शादी का, और ये काम त्रिकोण भी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये काम विवाह ये सबका त्रिकोण भी कहलाता है, ठीक है। तो अगर हमें देखना होता है कभी भी कुंडली में किसी भी जातक के बारे में कि वो अपने धन के बारे में आया है, वो अपने धर्म के बारे में जानना चाहता है, पैसे के बारे में जानना चाहता है या विवाह के बारे में जानना चाहता है, हम त्रिकोण का ध्यान रखते हैं कि उसके कौन कौन से ग्रह कौन से त्रिकोण में गए हैं। मैं दोबारा काउंटिंग करके बताता हूँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये चार तरीके, तीन बार आपको इनकी काउंटिंग करनी है, चार चार करके, धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे करके। तो अब मेरा ये देखिए, ये मेरा विवाह है सेवेंथ हाउस, और ये मेरा प्रेम है। अगर मेरे प्रेम को विवाह में कन्वर्ट होना है तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर एक रिलेशन होना चाहिए। ये तो मैंने मैथमेटिकल आपको इक्वेशन बताई है, कुंडली की भाषा में बात करूं तो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का सेवेंथ हाउस के लॉर्ड से जब संबंध बनता है, संबंध मैंने हमेशा बताया है तीन तरीके का होता है, युति दृष्टि और परस्पर एक्सचेंज, मतलब जब अपने राशियों को वो परिवर्तित कर लेते हैं। जब फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का सेवेंथ हाउस के लॉर्ड से संबंध बनता है, उसे प्रेम विवाह, आप प्रेम जो है आपका विवाह में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज, तो यहां से तो हो गया प्रेम विवाह, अब कभी कभी होगा जैसे मैंने यहां पर लिखा है शुक्र, और सप्तम का स्वामी जो है मेरा फिफ्थ हाउस में बैठ गया। फिफ्थ हाउस का स्वामी कौन है? लेट से सूर्य। मैं यहां बैठा देता हूं, जस्ट हाइपोथेटिकली मैंने यहां बैठा दिया, तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है सूर्य वो यहां बैठा है, मेरे फिफ्थ हाउस को देख रहा है, और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड शुक्र यहां बैठा हुआ है, वो सूर्य और शुक्र जो है आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी कि परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा है इनका। यहाँ पर चांसेस हैं इस कुंडली में कि प्रेम विवाह हो जाए। तो सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ में आ जाए और फिफ्थ लॉर्ड का सेवेंथ लॉर्ड से संबंध बन जाए, हिंदी में बात करूं सप्तमेश का पंचमेश से संबंध बन जाए डायरेक्ट, युति दृष्टि या एक्सचेंज, तो प्रेम विवाह के चांसेस होते हैं। अब कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा कि आपको ये संबंध नहीं मिल रहा है कुंडली के अंदर, उस केस में मतलब आपने देखा कि पंचम की ना तो दृष्टि है सेवेंथ पे, ना युति है, ना स्थान परिवर्तन है, फिर भी ऐसे लोगों का प्रेम विवाह होता है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, देखिएगा वहां पर रोल होगा आपका नाइन्थ हाउस का, ये क्या है? भाग्य स्थान। अब आपके भाग्य में ही लिखा है प्रेम विवाह होना, तो कौन रोक सकता है उसको? दृष्टि एक्सचेंज ये सब नहीं रोक पाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। सब पहली कंडीशन उसकी है कि फिफ्थ लॉर्ड यानी पंचमेश और सप्तमेश के अंदर संबंध नहीं मिलेगा आपको। अब आपको देखना पड़ेगा नवमेश, मेरा नवमेश कहाँ बैठा हुआ है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेता हूं कि लेट से मेरा नवमेश है गुरु, गुरु कहीं भी ले लीजिए, ट्वेल्थ हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है। यहां से एक गुरु जो है
सप्तमी, इस तो पंचमेश के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो एक दो तीन चार पांच, शुक्र को मैं लिख देता हूं यहां पर, और सप्तमेश मेरे सूर्य है, पांच छह सात, सूर्य लिख देता हूं मैं यहां पर, इसको यहां पर मिटा देते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको ऐसे लिख दिया है कुछ भी। तो यहां पर मेरे नवमेश कौन है, गुरु, गुरु को मैंने बैठाया 12वें घर में, शुक्र मैंने बैठाया अपने 4थे घर में, और सूर्य बैठा दिए 6ठे भाव में। ऐसे ही, मतलब ये सब एग्जाम्पल समझाने के लिए, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट संबंध शुक्र और सूर्य का नहीं था मेरा, ये वाले सिचुएशन में सूर्य और पंचमेश और सप्तमेश का डायरेक्ट संबंध नहीं है। मैं नवमेश के द्वारा दिखाना चाहता हूं आपको कि जब नवमेश की दृष्टि पंचमेश पर पड़ जाए और सिमिलरली सप्तमेश पर पड़ जाए, मतलब नवमेश एक आपका कनेक्टिंग पॉइंट बन रहा है, ये नवमेश है, ये पंचमेश है, उन्होंने सप्तमेश को दोनों के ऊपर दृष्टि डाल के या कुछ भी करके संबंध बना दिया, तो आपका जो भाग्येश है उसने पंचमेश और सप्तमेश को कनेक्शन बना दिया, तब भी लव मैरिज हो जाती है। मैं समरी बता देता हूँ 30 सेकेंड में। मैंने आपको दो तरीके बताए, या तो आपका पंचमेश, क्योंकि पंचम भाव प्यार का है, तो पंचमेश और सप्तमेश का डायरेक्ट संबंध हो, दृष्टि युति या परस्पर एक्सचेंज, या इन दोनों में कोई संबंध नहीं है पंचमेश या सप्तमेश में, तीसरा ग्रह आया जो कि मेरा नवमेश है, क्योंकि नवमेश क्या है, भाग्य कारक, नवमेश आए, उन्होंने पंचम पे भी दृष्टि डाली और उन्होंने सप्तम पर भी दृष्टि डाली, नवमेश ने पंचम और सप्तम से कनेक्शन बनाया, उस केस में भी विवाह होता है, प्रेम विवाह। तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से भाव और कौन कौन से ग्रह मुझे देखने हैं। तो ये तो बहुत मैंने आपको क्वालिटिव चीजें बता दी कि भाई प्रेम विवाह कैसे देखते हैं, और कौन कौन से, सबसे पहले आपको ग्रह देखना है शुक्र, और भाव देखने हैं पंचम सप्तम और नवम, ये तीन भाव बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम आते हैं क्या मुझे प्रेम में धोखा मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जातक क्यों परेशान होता है, प्रेम विवाह सबको पता है होगा तो फिर टेंशन लेगा ही क्यों, वो वीडियो देखने यही आता है, क्या मेरा प्रेम विवाह होगा, कहीं मुझे धोखा तो नहीं मिलेगा, क्या मेरे घर वाले मानेंगे, सबसे बड़ी चीजें यही होती हैं। आइए उसके ऊपर बात करते हैं, वीडियो का ये हमारा दूसरा पार्ट है। चतुर्थ हाउस, फोर्थ हाउस जो होता है हमारा, ये होता है धोखे का हाउस, धोखे मिलते हैं हमें यहां से, ठीक है, तो धोखे मिलते हैं चतुर्थ हाउस से। अगर आपके पंचमेश, पंचम क्या है, प्यार का भाव, आपका पंचमेश अपने से 12वें भाव में चला जाए यानी चतुर्थ भाव में आ जाए, तो आपको धोखा मिल सकता है। आपका पंचम का पंचमेश का संबंध अगर चतुर्थ भाव से बन जाए, या आपके सप्तमेश का संबंध चतुर्थ भाव से बन जाए, मतलब सप्तमेश की दृष्टि हो पंचमेश के ऊपर भी, या किसी तरीके से चतुर्थ भाव से संबंध आ जाए, तो धोखा। कुछ लोग लव मैरिज करते हैं कोर्ट में जाके, उस केस में कैसे होगा, उस केस में अगर आपका मंगल साथ में बैठ जाए तो कहाँ बैठा है, आपको भेजेगा कोर्ट। तो ये देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह आपके पंचमेश के या सप्तमेश के साथ बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, कोई मैलेफिक प्लैनेट की अगर दृष्टि नहीं है तो आसानी से प्रेम विवाह हो जाता है। आपके जो पंचमेश हैं या सप्तमेश हैं उनके साथ में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, ग्रहों की शुभ दृष्टि है, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो शांति से विवाह हो जाएगा, प्रेम विवाह। अब अगर मैलेफिक बैठ गए आपके साथ में, यानी कि पाप ग्रह या क्रूर ग्रह, सूर्य शनि राहु ये बैठ जाए अगर, तो क्या है, मंगल तो आपको कोर्ट लेकर जाता है, कोर्ट मैरिज के चांसेस होते हैं। शनि शनि सूर्य और राहु, अब सूर्य क्या है, पिता का कारक है, पिता के साथ से, पिता की साइड से हो सकता है कि प्रॉब्लम आए। चंद्रमा का अगर निर्बली है, चंद्रमा को हमेशा बाय डिफॉल्ट आप बलि ना मत मानिए, आपको देखना पड़ेगा उसका पक्ष बल क्या है। चंद्रमा अगर पक्ष बलि नहीं है तो फिर क्रूर ग्रह पाप ग्रह की तरह भी व्यवहार करता है, माता की साइड से प्रॉब्लम आ सकती है। तो ग्रहों का दूसरे ग्रहों से क्या संबंध है आपकी कुंडली में, ये भी देखना पड़ेगा। धोखा बहुत सिंपली मैंने आपको बताया, फोर्थ हाउस से आप देख सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को मैं समराइज करता हूं, मैंने पहले पार्ट में आपको दो तरीके बताए कि प्रेम विवाह कैसे देखते हैं। प्रेम विवाह देखते हैं, प्रेम होता है पंचम भाव से, शादी होती है 7th हाउस से। पंचमेश और सप्तमेश का अगर डायरेक्ट संबंध आ जाए, दृष्टि युति या एक्सचेंज, तो प्रेम विवाह के चांसेस होते हैं। नंबर दो, अगर पंचमेश और सप्तमेश का कनेक्शन नहीं आ रहा है तो आपको भाग्य भाव के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य ही आपका कारक होता है विवाह कराने के लिए। अगर भाग्य सपोर्ट करेगा तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो शादी होके रहेगी। तो आपको देखना है कि भाग्येश की दृष्टि क्या आपके पंचमेश और सप्तमेश के ऊपर पड़ रही है, अगर हाँ तो आपका प्रेम विवाह हो सकता है।
नम सेकंड पार्ट में वीडियो के मैंने आपको बताया, जो कि ज्यादातर जातक सोच देखते हैं क्या मेरा विवाह होगा, कहीं रुकावटें तो नहीं आएंगी, कोर्ट मैरिज होगी, मुझे धोखा तो नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको देखना है फोर्थ हाउस, वहां से आप धोखा देखते हैं। तो अगर आपका पंचमेश जैसे आप 12वें स्थान में चले अपने से यानी फोर्थ हाउस में, तो वहां से धोखा मिल सकता है। मतलब कोई भी ग्रह जब अपने से 12वें भाव में चला जाता है वहां पर उसकी हानि होती है। पंचमेश अगर फोर्थ में चला जाएगा तो प्रेम की हानि होगी ना, तो ये सीधा सीधा सूत्र होता है। कोई भी ग्रह अपने से 12वें स्थान में जाता है तो उसकी हानि होती है, कोई भी ग्रह अपने से अगले भाव में जाता है तो उसकी वृद्धि होती है। तो ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। तो पंचमेश अगर फोर्थ हाउस में चला गया तो आपको हानि होगी, धोखा मिलेगा। अब देखिए धोखा बहुत जनरलाइज वर्ड है, मैं इसको आपको और थोड़ा ड्रिल डाउन करके बताता हूँ। आप इसको धोखा मत लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि जातक जाति का प्रेम करते हैं एक दूसरे से, घर वाले नहीं मानते, बहुत सालों तक लड़ाई होती है, कुछ सालों के लिए बीच में मिलना जुलना बंद, कोई बातचीत नहीं होती, किसी को पता भी नहीं कि दोनों जिंदा भी हैं मर गए, कुछ नहीं पता। सडनली जब लक फेवर करता है, दशा आती है, उनके पुराने दोबारा बातचीत शुरू होती है, उनकी शादी हो जाती है। इस बार ना तो घर वाला कोई अपोज करता है, ना कोई समाज में, कुछ भी नहीं। और आपने बहुत केसेस देखे होंगे 3-4 साल बाद उनकी शादी हो गई। ये ब्रेक आ गया, ये प्रेम में ब्रेक आ गया। अगर पंचमेश चतुर्थ में गया है तो वो जो तोड़ना था उसको प्रेम को, वो तोड़ चुका है, इनकी शादी हो जाएगी। अब मैंने बहुत कुंडलियों में ये चीजें देखी हैं कि जब पंचमेश चतुर्थ में चला जाए तब भी प्रेम विवाह हुए हैं, लेकिन वो जो गैप आता है जो चतुर्थ भाव करवा रहा है उससे धोखे को या ब्रेक करवा रहा है, वो विवाह फिर भी होता है। तो धोखा एक बहुत जर्नलाइज वर्ड है, इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर एक ब्रेक आ सकता है लेकिन शादी के चांसेस फिर भी बनते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि किसी की शादी हम देख रहे होते हैं, हम देखते हैं अरे शादी का भाव तो पीड़ित है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका डिवोर्स हो जाएगा या उसका स्पाउस मर जाएगा। हो सकता है कि हस्बैंड इस कंट्री में हो, वाइफ दूसरी कंट्री में हो, हस्बैंड एक सिटी में, वाइफ दूसरी सिटी में, उनके बीच में वो शादी वाली जो फैमिली वाली एक फीलिंग होती है वो आ ही नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। कोई किसी के पेरेंट्स बीमार हैं और स्पाउस वहां सेवा करने चली गई है, चला गया है, किसी का कुछ रीजन है, कोई मॉर्निंग शिफ्ट में काम करता है, वाइफ नाइट शिफ्ट में काम करती है, या उल्टा इसका। तो जब वो परिवार वाली फीलिंग नहीं आएगी तो सेवंथ हाउस पीड़ित ही रहेगा। वो साथ में रहते होंगे लेकिन वो परिवार वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं हमें बहुत केयरफुल होके बोलना है, हमें ये देखते ही नहीं बोल देना है कि डिवोर्स हो जाएगा, हमें वो देखना है कि शायद वो जो एक परिपक्वता होती है उस रिश्ते की वो वहां पर नहीं होगी बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन। तो एस्ट्रोलॉजर को बहुत संभल के अपने शब्दों को यूज करना चाहिए। जो सामने वाला आपसे कंसल्टेशन लेने आया है वो बहुत कच्चे दिल से आया है क्योंकि वो परेशान है, और आपको उसे और परेशान नहीं करना है। आपको मेक श्योर करना है जब आपके पास से वो जाएगा तो वो पॉजिटिव होकर जाए। तो बहुत केयरफुली वर्ड्स को चूज करना होता है। तो दोस्तों आज के प्रेम विवाह के वीडियो में बस इतना ही। इससे पहले कि मैं वीडियो समाप्त करूं, आपसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।